Assalamu alaikum, my dear and lovely students of nursery class. How are you? I'm your English teacher from Philip School of Tomorrow, City Campus, Palwal. It's your lecture number 1. आपने से कौन मुझे बताएगा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं? Yes, very good. आज हमने अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से. आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये स्टोरी एक A4 एंट की है. यस, A4 एंट की ये स्टोरी है. A4 एंट को एक दिन बहुत सख्त भूख लगती है. उसको सामने एक A4 एप्पल नजर आता है. जी हाँ, उसका दिल बहुत ललचाता है कि वो A4 एप्पल खाए. लेकिन क्या होता है कि A4 एप्पल तो बहुत दूर होता है. A4 एंट A4 एप्पल तक नहीं पहुंच सकती, वो उसको नहीं पकड़ सकती. उसके ज़हन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो A4 एप्पल पे फेंके और A4 एप्पल को खा ले. लेकिन फिर वो कहती है कि अगर मैं A4 एप्पल पे मारूंगी तो इससे प्लांट को भी चोट लगेगी, प्लांट को भी पेन होगी. फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. इतने में उसे आसमान से एक A4 एरोप्लेन उड़ने की आवाज आती है. A4 एरोप्लेन जो ही दरख्त के ऊपर से गुजरता है तो उसके शोर से A4 एप्पल नीचे गिर जाता है और A4 एंट जो है वो A4 एप्पल को उठाती है और खा लेती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो कहानी थी उसमें हमने क्या सबक हासिल किया कि हमें प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. उन्हें भी पेन होती है, जैसे हमें पेन होती है वैसे ही प्लांट्स को भी पेन होती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? A4 ant, A4 apple, A4 aeroplane एंड A4 x. ये सारी जो चीजें हैं ये A से ही स्टार्ट हो रही हैं. अब क्यों ना हम A राइट करें. उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट्स में दो केसेस होते हैं, अपर केस और लोअर केस. अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स आते हैं. यस, सारे कैपिटल लेटर्स आते हैं. अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स आते हैं. और दूसरा केस कौन सा होता है? लोअर केस. लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर्स आते हैं. स्मॉल, यस, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है. दो केसेस होते हैं, इनको हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं. हमने यहाँ पे क्या राइट करना है माय डियर स्टूडेंट्स? ए. सबसे पहले पहली वाली जो लाइन होगी उसे हमने लिखना शुरू करना है और हमने एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है थर्ड लाइन तक. ठीक है, फिर हमने दोबारा ऊपर जाना है और हमने एक स्लैंडिंग लाइन ऑपोजिट, जो पहले वाली हमारी स्लैंडिंग लाइन होगी उससे ऑपोजिट हमने एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है थर्ड लाइन तक. फिर हमने सेकंड वाली लाइन से हमने एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है इन टू लाइंस के अक्रॉस. यस, ये हमारा क्या होगा? कैपिटल ए. कैपिटल ए, उसके साथ हम अब क्यों ना स्मॉल ए राइट करें. स्मॉल ए हमने कैसे राइट करना है कि हमने जो सेकंड वाली लाइन होगी रेड वाली, वहां से हमने एक कर्व ड्रॉ करना है. कर्व सेकंड वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन के दरमियान हमने एक कर्व ड्रॉ करना है और फिर इसी कर्व से हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और उसका भी एक छोटा सा कर्व. ये कैपिटल ए हमने लिखा और ये हमने स्मॉल ए लिखा. ये अपर केस है और ये लोअर केस है. नाउ एवरीवन टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 2. आपके पेज नंबर 2 पे A4 एप्पल होगा. हमने आज उसे रीड करना है.
my dear students, this one is capital A and this one is small a. This one is capital A and this is small a. The sound of A is A. The sound of A is A. A A apple, A A apple. A A apple, A A apple. A A apple, A A apple. This one is capital A and this one is small a. A A apple, A A apple. The sound of A is A. A A A apple. Now everyone take out your English notebook आप अपनी open करेंगे और आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप डे लिखेंगे अपनी मम्मा की हेल्प से, ठीक है? और डेट भी आपने अपनी मम्मा की हेल्प से लिखनी है. उसके बाद आप सबने होमवर्क पे टिक करना है, ठीक है? और आपने अपनी मम्मा से जो है वो टॉपिक राइट करवा लेना है, या आप खुद भी अपनी मम्मा की हाथ से खुद भी राइट कर सकते हैं हमारा टॉपिक क्या है. नाउ नर्सरी क्लास, हमने अब क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए राइट करना है, कैपिटल ए. मार्जिन लाइन से वन फिंगर गैप देके आपने फर्स्ट वाली लाइन से एक स्लैंडिंग लाइन आपने ड्रॉ करनी है थर्ड लाइन तक. टॉप से आपने थर्ड लाइन तक एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है. स्लैंडिंग लाइन आपने ड्रॉ करने के बाद फिर दोबारा आपने टॉप पे जाना है और वहां से आपने एक ऑपोजिट स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस. टू स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इन दोनों के दरमियान में एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है. यह स्लीपिंग लाइन आपने ड्रॉ करनी है और ये क्या होगा, कैपिटल ए. दिस वन इज कैपिटल ए. हमने इस टॉप से स्टार्ट किया और हमने एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ की थर्ड लाइन तक. देन अगेन हम टॉप पे गए और वहां से फिर हमने एक स्लैंडिंग लाइन जो है वो थर्ड लाइन तक ड्रॉ की और वो फर्स्ट लाइन से ऑपोजिट, ठीक है? फिर हमने सेकंड लाइन में एक स्लीपिंग लाइन हमने ड्रॉ की. अब क्यों ना हम स्मॉल ए राइट करें. इससे आपने वन फिंगर गैप देना है और उसके बाद आपने टू जो मिडल लाइंस हैं इनके दरमियान आपने एक कर्व ड्रा करना है लाइक दिस. ड्रा अ कर्व. आपने इन टू लाइंस के दरमियान कर्व ड्रा करना है. उसके बाद आपने क्या करना है कि यहीं से जहां तक आपका ये कर्व स्टार्ट हो रहा था, जहां से आपका ये कर्व स्टार्ट हो रहा था वहां से आपने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करके लानी है और यहाँ से आपने एक कर्व ड्रा कर देना है, ठीक है? ये हमारा होगा स्मॉल ए. कैपिटल ए हमने कैसे राइट किया, टू ऑपोजिट स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ की, इनके दरमियान एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की, वो हमारा था कैपिटल ए. लेकिन स्मॉल ए हमने कैसे राइट किया कि हमने मिडल वाले टू लाइंस में एक कर्व ड्रॉ की, फिर हमने उस कर्व को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, ठीक है? और हमने उसको एक कर्व के साथ ख़त्म किया, वो था हमारा स्मॉल ए. अब क्यों ना हम एक दफ़ा फिर हम कैपिटल ए और स्मॉल ए राइट कर लें. सो आप सब मेरे साथ लिखेंगे. अब हम फिर से एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे टॉप से लेके थर्ड लाइन तक. हमने ये स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ कर ली. फिर हम अगेन टॉप पे जाएंगे और वहाँ से फिर हम एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट साइड पे, ठीक है? टू स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इनके मिडल में एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर ली. यस, हमने एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की. ये हमारा कैपिटल ए बन गया, कैपिटल ए. फिर हम अगेन से एक स्मॉल ए राइट करते हैं. स्मॉल ए कैसे राइट करना है कि मिडल वाली टू, ये फोर लाइन है ना, 1, 2, 3 एंड 4, फोर लाइंस होती हैं. हमने सेंटर वाली जो टू लाइंस हैं वहाँ से हमने एक कर्व ड्रॉ किया, उन दोनों के दरमियान हमने एक कर्व ड्रॉ किया और जो कर्व हमने ड्रॉ किया उसको हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की और उस कर्व के साथ मैच करके फिर हमने एक छोटा सा कर्व ड्रॉ किया. दिस इज स्मॉल ए. कैपिटल ए,
small a, capital A, small a. आप सबने इस पूरे पेज पे नीचे प्रैक्टिस करनी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए आपने बार बार राइट करना है. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक स्टोरी सुनी थी ए फॉर एंट की. उसमें हमने क्या सीखा था कि हमें प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें भी पेन होती है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए. उसके बाद फिर हमने बुक रीडिंग की, उसमें हमने ए फॉर एप्पल रीड किया, देन हमने नोटबुक पे कैपिटल ए स्मॉल ए राइट किया. आप सबने अपनी नोटबुक पे राइट करने के साथ साथ आपने रफ रजिस्टर पे मस्ट प्रैक्टिस किया.